हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपको हमारे इस छोटा सा प्यारा सा चैनल में। दोस्तों, हम व्हाट्सएप यूज करते हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप का एक सेटिंग है कि आपको अगर किसी ने मैसेज सेंड करके उसके बाद वो मैसेज डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है तो वो मैसेज आपके पास डिलीट हो जाता है। मतलब जिसने मैसेज सेंड किया है उसके फोन में भी डिलीट हो जाता है और जिसके पास वो मैसेज गया उसके फोन में भी डिलीट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हम उस मैसेज को देखने के लिए हम कितने सारा एप्लीकेशन यूज करते हैं। जैसे कि प्ले स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके उस डिलीट मैसेज देख सकते हो। लेकिन दोस्तों, उसमें क्या होता है, आप उस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको अपने फोन पर व्हाट्सएप भी रखना पड़ता है और उसके साथ उस एप्लीकेशन भी रखना पड़ता है। जैसे कि आपके फोन का स्टोरेज बहुत ज्यादा लेता है उन दोनों एप्लीकेशन में। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आप अपने व्हाट्सएप से ही उस डिलीट मैसेज को देख सकते हो। तो चलिए, कैसे ये करते हैं वो जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। एक भी जगह आप स्किप करोगे तो आप ये नहीं समझ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके पास मेरा दो तीन रिक्वेस्ट है। पहला रिक्वेस्ट है कि आप जाके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे लेटेस्ट अपलोड सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, मैं इस चैनल पे व्हाट्सएप रिलेटेड, इंस्टाग्राम रिलेटेड, फेसबुक रिलेटेड, यूट्यूब रिलेटेड एंड एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक्स अपलोड करता हूँ, तो आप देख सकते हो। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों, मेरा सेकेंड रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो तो कि इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करके मेरा आईडी चाहिए तो आप जाके इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए सेखनाजीबोल6, तो आपको मेरा आईडी मिल जाएगा। आप जाके मुझे फॉलो कर देना और अगर आप चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आके मेरे साथ आप बात भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं पहले मेरा व्हाट्सएप को ओपन करके आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। तो चलिए, मैंने मेरा व्हाट्सएप को ओपन किया। ओपन करने के बाद दोस्तों देखिए, इधर मैंने मेरा भैया के फोन से एक हाई सेंड करता हूँ, ठीक है। चलिए, आप देख लीजिए, हाई सेंड किया। देन देखिए दोस्तों, इन्होंने इस मैसेज को जब डिलीट कर देगा तो आप देख सकते हो, तो डिलीट कर दिया। आप देखिए, एक लोगो आ रहा है हाई के पास, तो मतलब ये मैसेज उन्होंने डिलीट कर दिया। फिर से देखिए, ये मैसेज डिलीटेड लिखा आ रहा है, मतलब ये मैसेज उन्होंने डिलीट कर दिया उसके फोन से, लेकिन ये मेरे फोन पर रह गया। अब दोस्तों, फिर से एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे हेलो लिख दिया मैंने, देन देखिए फिर से इधर से एक वो मैसेज डिलीट कर देगा, तो ये देखिए मैसेज डिलीट दिखा रहा है। तो मतलब ऐसे ये मैसेज जो मतलब उन्होंने डिलीट कर देगा लेकिन आपके फोन पर ये ऐसे रह जाएगा। तो अब ये सेटिंग कैसे आप ऑन कर सकते हो उसके बारे में बताऊं। दोस्तों, आपको ये मानना होगा कि ये नॉर्मल व्हाट्सएप पर नहीं होगा, मतलब प्ले स्टोर से जिस व्हाट्सएप को आप यूज करते हो उस व्हाट्सएप पर नहीं होगा। तो ये करने के लिए आपको क्या व्हाट्सएप चाहिए, आपको एफएम या ये व्हाट्सएप चाहिए। तो एफएम या ये व्हाट्सएप अगर आपके फोन पर नहीं है तो अभी आप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप नहीं जानते हो कि कैसे एफएम या ये व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगा। आप जाके उस वीडियो को देख के समझ सकते हो कि कैसे ये एंड एफएम व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं। और दोस्तों, ये और एफएम व्हाट्सएप का फीचर्स एक ही है, आप यूज करके देख लेना। दोनों में से जिसको आप यूज करें आप कर सकते हो, दोनों में ही ये सेटिंग होगा। तो चलिए, ये सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप पहले अपना व्हाट्सएप या एफएम व्हाट्सएप को ओपन कर लीजिए। देन ओपन करने के बाद आप बैक कीजिए। देखिए, एकदम फ्रंट पेज पे जो है 3 डॉट्स इन फाउट मोड से आप जाइए, जाके आप इधर से देखिए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, तो उस पे जाइए। जाके आप इधर नीचे पे आइए, देखिए एंटी डिलीट मैसेज चैट्स में है, तो इसको आपको इनेबल कर देना है। तो इनेबल करने के बाद जब भी वो आपको मैसेज सेंड करके डिलीट फॉर एवरीवन कर देगा, वो मैसेज आपके पास रह जाएगा। तो ये आप अपना नॉर्मल व्हाट्सएप को डिलीट कर दीजिए और सिंपल एक व्हाट्सएप से ही ये काम हो जाएगा। और ये व्हाट्सएप एकदम सेफ है, इसमें बहुत सारा एडिट फीचर्स भी है। क्या क्या फीचर्स है वो जानने के लिए आपको एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों, ऐसा ही इतना ही आपको बताना था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर देना, ऐसा ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और मुझे इंस्टाग्राम पे आप जरूर फॉलो कर देना। तो चलिए, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।